वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे चावल की खीर। चावल की खीर टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है और उसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। तो आप कोई नॉनस्टिक का या कोई हैवी बॉटम का बर्तन ले लें। उसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करें। पानी ऐड करने से दूध नीचे चिपकता नहीं है। 1 लीटर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म होने देंगे। खीर में डालने के लिए मैंने चावल आधे घंटे पहले भिगो के रखे हैं और ये जो टुकड़ा चावल आते हैं वो मैंने लिए हैं। दूध गर्म हो चुका है, इसे एक बार हम हिला के मिक्स कर लेंगे। जो चावल हमने भिगो के रखे थे उसका पानी अब हम निकाल लेंगे। अब ये चावल इसमें ऐड कर दे। ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जितने चावल लिए हैं। एक बार मिक्स कर ले, दूध उबलने लगा है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है। किनारों पे जो दूध आता है उसे भी आप मिक्स करते जाए। आठ से दस मिनट के बाद चावल का दाना इस तरह से प्रेस करके चेक करें। ये इजीली प्रेस हो जाता है, मतलब कि ये पक चुका है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने 4 टेबलस्पून शुगर ली है। कटे हुए बादाम, पिस्ता और थोड़ा केसर इसमें ऐड करेंगे। एक बार मिक्स कर ले। शुगर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। किनारों से भी दूध अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे खीर का कलर चेंज होने लगा है। इस टाइम पे अब हम इसमें इलायची और जायफल का पाउडर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 मिनट जितना टाइम लगा है और खीर पककर रेडी है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। ये जब गर्म हो उस टाइम पे इस तरह की इसकी थिकनेस रहती है। नजदीक से भी मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी थिकनेस है। अब इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद खीर इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। तो आपको जैसी थिकनेस पसंद हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसे मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। अब इसके ऊपर कटे हुए बादाम ऐड करेंगे, कटे हुए पिस्ता और गार्निशिंग के लिए थोड़ा केसर ऐड करें। अब ये चावल की खीर सर्विंग के लिए रेडी है। खीर को आप दो तरह से सर्व कर सकते हो। एक जब वो थोड़ा गर्म हो उस टाइम पे और दूसरा उसे फ्रिज में रख के एकदम ठंडा करके। और खीर के साथ अगर आप थेपला या पूरी सर्व करते हो तो वो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो एक बार इस तरह से चावल की खीर बनाकर जरूर ट्राई करें। आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी।